आपके सांसद और भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक जी कौल, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एम के मान्याल, नहीं आवाज तो मुझे ही नहीं सुनाई दे रही, तो आप लोगों कैसे सुनाई दे। ले आइए, मैं हाथ से ही बोलता हूं। डॉक्टर जी अब यह देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का करिश्मा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री अशोक कौल जी जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर के मान्याल, डॉक्टर जीवनलाल जी एक्स एमएलए, श्री प्रेम सागर अजीज, कर्नल महान सिंह, त्रिविक्रम सिंह, श्री नीरज राजपूत, श्री तजेंद्र सिंह, श्री किशोर कुमार, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती श्वेता देवी, श्री जंगवीर सिंह, श्री दर्शन सिंह, श्री सतीश शर्मा, श्री सुमेश तपोलिया, डॉक्टर श्रीमती सुलेखा शर्मा, श्री शंकर सिंह, श्री अभिजीत यसरोटिया और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पानी बरसने लगा, भाषण कैसे होगा। वैसे आप इतना ही कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, शायद ये पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे जम्मू काश्मीर के अधिकांश स्थानों पर मेरा जाना हुआ है, वहां की सार्वजनिक सभाओं को भी मैंने संबोधित किया है, लेकिन जम्मू काश्मीर में इस बसोली स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू काश्मीर का जहां तक प्रश्न है, मैं सचमुच आपको लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा सांसद मिला है। सरकार में मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह करते हैं, और इतना ही नहीं, भारत की संसद में यदि किसी विषय पर बोलना होता है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जितने प्रभावी तरीके से बोलते हैं कि सभी के द्वारा उसकी सराहना की जाती है, ऐसे हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यदि चुनाव हो रहा है, तीसरी बार वह प्रत्याशी बनकर चुनाव के मैदान में है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही लगता है कि नहीं लगता, मैं नहीं जानता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, पहले की अपेक्षा कई भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के आशीर्वाद से विजय हासिल करने जा रहे हैं। जहां तक मोदी जी की सरकार का प्रश्न है, भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। आप लोगों का भी अथवा आप लोगों के परिवार के बहुत सारे सदस्य विदेशों में होंगे, आपको इस बात की जानकारी देते होंगे, और आज हमारा देश आर्थिक रूप से
धीरे धीरे मजबूत होना प्रारंभ किया है। आजादी हासिल किए हुए लगभग 74-75 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन भारत को आर्थिक दृष्टि से जो मजबूती हासिल करनी चाहिए थी नहीं कर पाया। पहली बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप सबको जानकारी मिली होगी कि भारत आर्थिक दृष्टि से भी कैसे मजबूत हुआ है और कैसे यह भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं, 2014 में यही हमारा भारत धन दौलत के आकार यानी इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। वही भारत मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहनों भाइयों, आज के एक साल पहले ही, दो साल पहले ही, जो भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सारी दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं, दुनिया की जानी मानी फाइनेंशियल फर्म्स भी मानती हैं, उनका दावा है भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2026 समाप्त होने के बाद 2027 आते आते यही भारत इकॉनमी की साई अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। सारे विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है मेरे बहनों भाइयों, तो भारत की है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कैसा एक सशक्त नेतृत्व मिला है। और जिस पार्टी से हम लोग आते हैं, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। हमारे कृति और कथन में कभी अंतर नहीं रहा है। मैं समझता हूं आजादी हासिल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की जनता के साथ जितने वादे किए, यदि आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो आज के 20-25 साल 30 साल पहले ही भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया होता। लेकिन उन्होंने कहा कुछ, किया कुछ। बराबर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए, बहुत लंबे चौड़े वादे भी जनता से किए, लेकिन सरकारें बन जाने के बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय से लेकर आज तक हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर कोई देख ले, जब सरकार नहीं बनी थी तो उस समय तो नहीं कर पाए, लेकिन हम बार बार कहते रहे जब भी हमारी सरकार बनेगी तो जम्मू काश्मीर, इसे धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त है, ये धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू काश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। हम लोगों ने इसे पूरा किया। हम लोगों ने कहा था, 1984 से नारे लगाते चले आ रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे, तो लोग ये कहते थे, हमारे विरोधी दल के लोग, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा वह तारीख आ गई, अयोध्या की धरती पर भद्र राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को ही हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और मुझे तो पता नहीं क्यों यह एहसास होता है कि भारत में भी अब राम राज्य का आगाज हो चुका है। बहनों भाइयों, राम राज्य आने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब लोगों के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, अधिकार बोध नहीं। सारा संकट पैदा हुआ था
कैकेयी को जब अधिकार बोध हुआ था, शेष सभी लोग जितने थे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसी स्थिति भारत में भी अब धीरे धीरे पैदा हो रही है, जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उसे अधिकार समझकर काम नहीं करेंगे, कर्तव्य के प्रति अपने जागरूक रहेंगे, तो सारा हिंदुस्तान, मैं समझता हूं सारे भारत के नागरिक भी धीरे धीरे जागरूक होते जाएंगे, उन्हें कर्तव्य बोध होता जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में बतलाना चाहता हूं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोगों के अंदर भी एक कर्तव्य बोध है। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं मेरे बहन भाइयों देश बनाने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। और यह करके मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिखा दिया, जो कहा सो किया। हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे, नागरिकता कानून पास कर दिया। अब इसको लेकर भी लोग गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। बहनों भाइयों, जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता किसी भी सूरत में नहीं जाने वाली है।